तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहे। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपकी हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो। श्रीमद् भागवत गीता आपकी हर प्रश्न का उत्तर देती हैं, आपकी हर समस्या का हल देती हैं। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, यह धन की हो, या शरीर की हो, या आपके रिश्ते की हो, दोस्तों आपकी हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदि हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट
साफ और सीधी बात बोलता है। उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर ये दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है, तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज़्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए। और ये भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख, लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। ये इंसान की फितरत है, यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती है जो वो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिरगिराने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना, यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है, जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है, आपको एक चीज जो बुरे समय में जरूर करनी चाहिए और बहुत से लोग ये चीज करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वह गरीब था, मेहनती था, खुश था। वह रोज सुबह उठकर भगवान से केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज किसान के साथ मंदिर जाती, प्रार्थना करके वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वो कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था।
एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल की, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा आदि दे पाना बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं भगवान। कभी वो खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को। पर किसान की बीवी को अटूट विश्वास था परमात्मा पर। परमात्मा उनको इस मुसीबत की घड़ी में मदद करने जरूर आएंगे। पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल की कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता प्रार्थना करने को। डॉक्टर ने किसान से कहा उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और घर चली गई है। सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि किसान को 10,000 की आवश्यकता है। तो सेठ ने तुरंत अपने जेब से पैसे निकाल कर देते हुए कहा कि उसके पास इस समय 10,000 ही है और वो रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर आपको और पैसों की आवश्यकता हो तो बेहिचक मांग लेना। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जानती है कि यह पैसे किसने भिजवाए हैं और जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों कहते हैं अटूट विश्वास ये सबसे जरूरी चीज है जो हम लोग अक्सर खो देते हैं अपने बुरे वक्त में। जो उस औरत ने नहीं खोया, उसने तो सेठ का पता लिखा हुआ कागज भी नहीं पकड़ा। वह जानती है कि परमात्मा उनके साथ है, श्री कृष्ण सदैव उनके साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़ें। और दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।